हेलो गाइस, वेलकम टू दी बैंकिंग ब्लॉक्स ऑफ ऋषिका। कैसा गया पेपर आप लोगों का? से पहले कि कुछ मैं शुरू करूं, आप बताएं आपका पेपर कैसा गया, जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड या फोर्थ जो भी था 23 सितंबर को, जो कि आज था, तो कैसा आप लोग का पेपर रहा? लेबल क्या था आपके शिफ्ट का, एटलीस्ट आप ज़रूर बताएं इसमें। तो ये मैं जो अभी आपको बताने जा रही हूँ, ये मेरा दिया हुआ पेपर नहीं है, ये मेरे किसी फ्रेंड ने दिया था, तो उसने मुझसे शेयर किया कि क्या डिफरेंट था आखिर फोर्थ शिफ्ट में, क्योंकि ऐसे ही बस लगा देने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो लोग दे रहे हैं वो उनको तो पता ही है कि किस तरीके का पेपर आया था। बट मैं हमेशा वो वीडियो बनाती हूँ कि थोड़ा डिफरेंट हो, लोग थोड़ा देखें तो उन्हें समझ में आए कि हाँ कुछ थोड़ा डिफरेंट है, वरना ये तो पता ही है कुछ ना, मतलब रिपीटेड तो क्वेश्चन रहते हैं, ऐसा तो नहीं कि मतलब कुछ एकदम बैंकिंग का जो भी सिलेबस होता है आउट ऑफ द बॉक्स दे दिया, या ये जाहिर सी बात है किसी में साइलो होगा तो किसी में नहीं होगा, इस तरीके से ही होगा। बट आई डोंट नो फोर्थ शिफ्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है, बट मुझे ऐसा सुनने में आया है कि जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के कंपेरिजन में फोर्थ शिफ्ट का लेवल थोड़ा नॉर्मल था, जो कि बहुत शॉकिंग था। हमेशा ऐसा होता है कि फर्स्ट शिफ्ट ईजी होता है, सेकेंड शिफ्ट उससे ईजी, थर्ड और फोर्थ काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसका लेवल काफ़ी हाई होता है। बट पता नहीं क्यों सुबह में सबने कहा कि उनके मतलब कॉन्ट्स बहुत ज़्यादा टफ थे, बट अभी इसने बोला कि ठीक थे, मतलब एकदम टफ नहीं तो एकदम इजी भी नहीं कहेंगे, पीओ का ही लेवल उन्होंने दिया था उन्होंने। मैं एकदम शॉर्टकट में आपको बताऊंगी कि क्या क्या था। जैसे कि मैथ्स में उसने बताया कि 5 अप्रॉक्सीमेशन थे, 1 कैलकुलेट था, 2 DI था और क्वाड्रेटिक थे इस तरह, और बाकी सारे अरिथमेटिक थे। ऐसे मैथ्स का उन्होंने क्वेश्चन को सेट करके रखा था, और मैं लिख नहीं पाऊँगी गाइस, प्लीज़ उसके लिए आप थोड़ा माफ़ कीजिएगा, क्योंकि स्क्रीन थोड़ा छोटा है तो मैं लिख नहीं पाऊँगी इस पर, ये फ़ोन से बनाती हूँ तो यहाँ पे नहीं लिख पाती हूँ, तो इसलिए आप जो भी बोल रहे हैं वो सुन लीजिएगा। तो ये सारा टॉपिक्स वगैरह था उसमें मैथ्स में, और रीजनिंग में वही सारे साइलो थे, पजल में जैसे सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह ये सब सारा जो भी था वो था रीजनिंग में। डिफरेंट थोड़ा इसलिए मुझे लगा क्योंकि अगर टफ लेवल रहता है तो क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक वगैरह नहीं देंगे आपको, सिंप्लीफिकेशन वगैरह नहीं देंगे। बट इसने कहा कि फोर्थ शिफ्ट में भी ऐसा था, और 1 कैसलेट था और DI 2 थे, ये ओवरऑल रीजनिंग और मैथ्स का पेपर था। और वहीं पे इंग्लिश का उसने कहा कि क्वेश्चन का मतलब इंग्लिश तो वो होता है ना, मतलब थोड़ा सा हमेशा, मतलब इंग्लिश सबका एक अलग होता है, मतलब कभी कभी बहुत को वही इंग्लिश बहुत टफ लगता है तो वही इंग्लिश बहुत लोगों को ईजी लगता है। तो इंग्लिश में तो आपकी जितनी अच्छी है उतना ही अच्छा रहेगा, लेकिन मैथ्स रीजनिंग जो होता है वो लेवल तुरंत समझ में आ जाता है। सिंप्लीफिकेशन अगर छोटा है तो समझ लीजिए कि आपका लेवल नॉर्मल है, अदरवाइज सिंप्लीफिकेशन बनाने में भी हालत ख़राब हो जाता है। एक साल आई थिंक 2-3 साल पहले IBPS कलर का जो पेपर था ना, उस पर अप्रॉक्सीमेशन जो था वो बहुत ज़्यादा टफ कर दिया था, मतलब इतना कि वो बन नहीं रहा था अप्रॉक्सीमेशन, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं भी पेस कलर का अप्रॉक्सीमेशन मुझसे नहीं बन रहा है। आज से 3-4 मतलब आई थिंक 2020 का ऐसा पेपर था, तो इसलिए आज अभी जो भी फोर्थ शिफ्ट का ऐसा कहा जा रहा है, मैंने नहीं दिया है, आप बताएंगे जो भी फोर्थ शिफ्ट के इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप बताइएगा कि कैसा ये मतलब लेवल था, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि ये सबको पता चले, जिनके भी मतलब अगर थर्ड शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में कैसा पेपर आप वो कंपेरिजन कर सके अपने पेपर से। तो इसलिए बस वीडियो बनाया था, ये थोड़ा डिफरेंट मुझे लगा, तो प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।